दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेसिक और कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक हमारा सिंगल फेस का हीटर है, 1 किलोवाट का, 1000 वाट का एक हमारा सिंगल फेस का हीटर है, वो एक तरफा जला दीजिए और एक दूसरा हमारा चूंकि 1 किलोवाट का ही है लेकिन वो 3 फेस का हीटर है तो उसको आप जला दीजिए, तो दोनों में मतलब एक किलोवाट का सिंगल फेस का और 1 किलोवाट का 3 फेस का दो हीटर है, इन दोनों को यदि हम जलाते हैं तो किस में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, क्योंकि एक में तो हम 3 फेज दे रहे हैं और एक में हम सिंगल फेज दे रहे हैं, तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में ज्यादा आएगा, आइए समझ लेते हैं। और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आइए समझ लेते हैं। देखिये, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो हमारा KWH या यूनिट के अनुसार आता है। अब KWH क्या होता है, तो देखिये KWH जो होता है मतलब 1000 वाट, 1000 वाट का अगर कोई भी उपकरण है, मान लीजिए हमारा हीटर है, उसको यदि हम 1 घंटे तक चला देते हैं, मतलब 1000 वाट का उपकरण उसे हम 1 घंटे तक चला देते हैं, तो वह हमारा 1 KWH मतलब 1 यूनिट बिजली की खपत कर देगा। अगर मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, यदि हम उसे 10 घंटे तक चला देते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट की बिजली की खपत कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि 1 KWH की एनर्जी कब कंज्यूम, कब खत्म होती है। जो एक सिंगल फेज का जो हमारा हीटर है 1 किलोवाट का, उसको यदि हम 1 घंटे तक चला देंगे तो वह 1 किलोवाट का चूंकि हाँ और 1 घंटे तक अगर हम चला देंगे तो वह 1 यूनिट बिजली या 1 KWH की बिजली हमारी खपत हो जाएगी। वहीं पर जो हमारा 3 फेज का जो हीटर है उसको जब हम 1 घंटे तक चला देंगे, मतलब 1000 वाट का जो 3 फेज का हीटर है उसको जब हम 1 घंटे तक उसको चला देंगे तो उससे भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, खपत होगी, तो वह अभी हमारी 1 KWH या 1 यूनिट की बिजली की खपत होगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि उसको यदि हम 1 घंटे तक चलाते हैं, मतलब सिंगल फेस वाले को चलाते हैं, तो भी 1 यूनिट की बिजली की खपत होगी, और जो 3 फेस वाला है उसको भी जब हम 1 घंटे तक चलाएंगे तो 1 ही यूनिट की बिजली खत्म होगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि दोनों को यदि हम 1-1 घंटे तक चला देते हैं तो एक समान बिजली की खपत होगी। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि चूंकि जो सिंगल फेस का जो हीटर है उसको तो हम 230 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारा 3 फेज का जो हीटर है उसको हम 415 वोल्ट दे रहे हैं, तो चूंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा है और इसमें वोल्टेज कम है, तो लेकिन जो वोल्टेज है वो एक समान कैसे, जो एनर्जी की जो खपत है वो एक समान कैसे है, तो आइए उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1 किलोवाट का जो सिंगल फेस का हीटर है उसके हम करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला होता है वाट इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई इंटू कॉस वाई। अब जो वाट है, वाट कितना है हमारा 1000 वाट है, तो 1000 लिख दीजिए, इक्वल टू वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट है उसको लिख दीजिए, करंट हमें पता करना है और जो पावर फैक्टर है हमारा वह 0.8 है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.43 एम्पियर का करंट इसमें ड्रा होगा। अब वहीं पर जो 3 फेज का हीटर है उसमें क्या हम फार्मूला लगाएंगे, तो वाट इज इक्वल टू होता है √3 V × I × cos φ, तो वाट का मतलब हो गया 1000 इज इक्वल टू √3 का मान है 1.732 इंटू वोल्टेज जो हमारा 415 वोल्ट इंटू आई करंट हमें निकालना है इंटू पावर फैक्टर हमारा जो है 0.8 है। अब जो वाट है वहां पर हमने 1000 लिख दिया है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.73 एम्पियर। अब यहां पर देखिए जो सिंगल फेज का जो हीटर है उसमें 5.43 एम्पीयर करंट आ रहा है और जो हमारा 3 फेज का हीटर है उसमें 1.73 एम्पीयर करंट आ रहा है। अब यदि हम इसको उल्टा करें, उल्टा उसी फॉर्मूले पर रखें तो क्या होगा, तो देखिए वाट इज इक्वल टू, हमें अब हम वाट पता करना है, इज इक्वल टू 230 वोल्ट इंटू करंट की जगह पर हम 5.43 रखेंगे इंटू 0.8। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 वाट आएगा। अब वहीं पर 3 फेज का जो है उसमें हम वाट इज इक्वल टू, हमें वाट पता करना है, इज इक्वल टू √3 का मान होता है 1.732 इंटू 415 इंटू करंट जो है 1.73 है और इंटू 0.8 पावर फैक्टर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वह 1 किलोवाट आएगी, मतलब 1000 वाट आएगी। अब यहां पर निष्कर्ष निकलता है कि जो सिंगल फेज का जो हमारा हीटर है, सिंगल फेस होता है उसमें क्या होता है, चूंकि वोल्टेज कम है इसलिए उसमें करंट बढ़ जाता है, और जब करंट बढ़ जाता है तो उससे ऐसा नहीं है कि हमारी पावर पे कोई प्रभाव पड़ता है, पावर हमारा सेम होता है। और उसी तरह से जो हमारा 3 फेस होता है उसमें क्या होता है कि चूंकि वोल्टेज ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से करंट कम हो जाती है, लेकिन उसमें जो हम जिस उपकरण को जोड़े हुए होते हैं, जिस उपकरण को सप्लाई दे रहे होते हैं, उसका जो वाटेज है उसी के अनुसार उतना ही पावर उसमें कंज्यूम होता है जितना हमारा सिंगल फेस में कंज्यूम होता है।
तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि चाहे आप सिंगल फेज की सप्लाई दें और चाहे थ्री फेज की सप्लाई दें अलग अलग उपकरणों को और उनका जो वाटेज है वो एक समान हो तो उनकी एनर्जी कंजप्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है तो आप यही जवाब देंगे कि चाहे सिंगल फेज का कोई भी उपकरण हो सेम वाटेज का और थ्री फेज का कोई उपकरण हो सेम वाटेज का और दोनों का जब हम सिंगल फेज या थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उनके वाटेज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल और केवल उनके करंट पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक में वोल्टेज कम है तो इसलिए उसका करंट बढ़ जाता है और एक का वोल्टेज ज्यादा है इसलिए उसका करंट कम हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 1000 वाट का जो हीटर है जो कि सिंगल फेज का है वो बिजली खपत ज्यादा करेगा या थ्री फेज का जो हीटर है वो 1 किलोवाट का है तो वो बिजली की ज्यादा खपत करेगा। इसका निष्कर्ष ये होगा कि दोनों में जो एनर्जी कंजप्शन होगा वह या बिजली का जो बिल आएगा वो एक समान होगा। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.tarkinelectrician.com का, तो वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेर नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।